दुनिया में बहुत सारा चैट एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाय। आप इससे कहीं भी किसी टाइम इससे आप चैट करके बात कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो, बिना कोडिंग, बिना प्रोग्रामिंग जाने 5 मिनट में आप अपना खुद का चैट एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट करोगे। सूरज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बिना कोडिंग, बिना प्रोग्रामिंग जाने आप 5 मिनट में अपना खुद का एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करके पैसे भी कमा सकते हो। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर देना होगा apps.com। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेक एंड्रॉयड ऐप इन 5 मिनट विथ फ्री ऐप क्रिएटर। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट कर सकते हैं डाउनलोड, डिस्ट्रीब्यूटर और इसके साथ ही आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ गूगल के थ्रू भी अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सिंपली यहाँ पर साइनअप ओके कर लेता हूँ। इसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का सिंपली यहाँ पर साइनअप ओके कर देना है। ओके करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज गया होगा, जहाँ से आपको जो ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं ईमेल आईडी पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे केस में यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुका है एप्स गेसर का। सिंपली हम इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि वेलकम टू एप्स गेसर और यहाँ पे आपका बोल रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से ओके करते आपका ईमेल ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ओके कर देते हैं तो आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ईमेल जो है आपका वेरीफाई हो चुका है। इसका सिंपली यहाँ गो टू योर डैशबोर्ड पर ओके करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पर ले जाकर ओपन करेगा। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ पर ओके करना होगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पर देख रहे हैं मैसेंजर, हमको इस पर ओके करना है। तो मैसेंजर पर ओके करना है क्योंकि हमको चैट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो सिंपली हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बनाने के स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव कि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये कैसा शो होगा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से शो होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं एक्शन बार, तो इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर है, मैसेज कलर है, इसके बाद सेंड मैसेज कलर है, टेक्स्ट कलर है। तो सिंपली इस सबको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो चलिए जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर कोई रेड कलर चूज कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद आपको इसको प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ रिफ्रेश पर ओके कर देंगे। जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा तो कुछ आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो कलर यहाँ पे रेड कलर जो चूज किए हैं वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ बैकग्राउंड भी इसका कलर चूज करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेंड मैसेज कलर अभी जो भी यहाँ पे कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको सेंड मैसेज जो भी कीजिएगा वो आपका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ टेक्स्ट जो लिख रहे हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैक कलर भी आपको यहाँ पर लिखा के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सिंपली कि हमको ब्लैक नहीं होना चाहिए, कोई और कलर का होना चाहिए, तो सिंपली ये कलर आप चूज कर लीजिए। सिंपली यहाँ ओके कर लीजिए। ओके करने पर आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो भी कलर यहाँ पे चेंज किया हूँ ऑलरेडी यहाँ पे कलर ये आ चुका है। चलिए मैं सेंड मैसेज के बैकग्राउंड कलर और कोई और कलर चूज कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर कुछ खास नहीं लग रहा है, तो मैं ये कलर डाल देता हूँ। डालने का सिंपली आप दोनों सेम ही हो गया। चलिए मैं दूसरा कलर यहाँ पर चूज कर लेता हूँ क्योंकि अब जो भी कलर चूज कीजिएगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। सिंपली मैं दूसरा कलर यहाँ पर डाल देता हूँ। कलर चूज करने के बाद सिंपली आपको ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिफ्रेश कीजिएगा। जैसे कीजिएगा आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर जो मैंने चेंज किया ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं इसमें। जैसे इसके नीचे आप अपना पिक भी लगा सकते हैं या कोई अदर कोई पिक है वो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अटैच इमेज पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने का जहाँ भी आपका पिक है वो पिक सेलेक्ट करके सिंपली इसको ओके कर देना है। अब इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, इसको जैसे अगर रोटेट करना चाहे तो यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए रोटेट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर
जिस तरीके से आप इसको रखना चाहें उस तरीके से इसको आप रख सकते हैं और इसको अप डाउन ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये पिक्चर आपको कैसा लगेगा। सिंपली मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सिंपली यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ और मेरा यहाँ पिक्चर आ चुका है। आप देख रहे हैं साइज यहाँ पे 1280x720 मेगापिक्सल में है। इसको सिंपली आपको प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश प्रीव्यू पर ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नीचे जो मैं ये पिक लगाया हूँ ये पिक यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी आप इसमें लगाएगा जो भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा उसके मोबाइल में यही जो आपका पिक लगाया है वही उसके एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करेगा तो उसमें यही पिक उसको उसमें शो होगा। तो इस तरीके से आप अपना पिक या कोई भी पिक लगा सकते हैं। इसको तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पर भी ओपन होकर आ जाता है। तो अब यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नेम देना होगा। जो भी आप यहाँ पर नाम चूज कर सकते हैं कोई भी नाम यहाँ पर अपना चूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का रखने के लिए। जैसे व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, एमआई है, वाया है, तो बहुत सारे ऐसे जो है जिस पे आप चैट करते हैं तो उसी तरीके से आपका भी यहाँ पर नाम एक चूज कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जूम चैनल। तो यहाँ पर चलिए मैं टाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे नाम टाइपिंग करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप सेटिंग का ऑप्शन है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ऐप नेम जो भी मैं डाल के बताई हूँ, इसको यहाँ पे आइकन का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का है आइकन चूज करना। आप देखते होगा कि प्ले स्टोर पे बहुत सारा जो आइकन लगा हुआ होता है तो अपना मन पसंदीदा आइटम भी बना के आप लगा सकते हो या इसमें से आप अपना चूज भी कर सकते हो। जैसे आप देखते होगा व्हाट्सएप का आइकन कुछ इस तरीके से होता है, टेलीग्राम का आइकन कुछ इस तरीके से शो होता है और फेसबुक का आइकन आपको कुछ इस तरीके से शो होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी यहाँ पे आपको एक आइकन चूज कर लेना होता है। तो आप यहाँ से आइकन चूज भी कर सकते हैं या अगर आप कहीं आइकन बना के रखे हुए हैं तो अभी आप आइकन यहाँ पे अपना आइकन पसंदीदा आइकन जो बना के रखे हुए आइकन वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कस्टम आइकन पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 512 साइज का आपको आइकन इसमें लगाना होगा। तो सिंपली अगर अपना आइकन कहीं बना के रखे हुए हैं तो यहाँ अपलोड फाइल पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जहाँ भी अपना आइकन बना के रखे हुए हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से अपने आइकन को छोटा बड़ा करके क्रॉप करके भी लगा सकते हो। इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर क्रॉप करने के बाद सिंपली आपको इसको यहाँ क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद अपना आइकन यहाँ पर आपका सेलेक्ट इसमें हो चुका है। तो अपलोड करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अपलोड आइकन जो अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो आइकन है शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको फाइनल ऑप्शन आता है क्रिएट का, आपको सिंपली क्रिएट कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट पर ओके कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। तो क्रिएट पर जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपको सामने कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट स्टार्ट और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका पर भी ओपन होकर आ रहा है। इसके साथ ही जो भी अपना लोगो यहाँ डाले थे, नाम वगैरह डाले थे, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन जो मिल जाता है वो देख रहे हैं गेट स्टार्ट का, और यहाँ से जो आपका एप्लीकेशन है वो अपने एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि मोनेटाइज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से अपने जो इसको है मोनेटाइज कर सकते हैं और कहीं भी इसको फोन और फर्स्ट नेम डाल के यहाँ पे सबमिट करके इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं कि आप गूगल प्ले पर इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पब्लिश पर जाकर अपने ऐप है जो बनाया है उसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पब्लिश पर जाकर यहाँ से अपने जो ईमेल अपना जो ऐप बनाया है यहाँ पे देख रहे हैं प्ले स्टोर पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेजन जो अमेजन का है ऐप स्टोर इसमें भी आप पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से अपने जो अभी जो अपना ऐप बनाया है उसको स्कैन करके भी आप इसको इसमें अपना ऐप लगा सकते हो या इसको यहाँ से बिल्ड एंड डाउनलोड भी अपना जो अभी एप्लीकेशन बनाया हो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अमेजोन है, अपटोड है, स्लाइड मी है, गेट जार है या गुड न्यूज है। तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं जहाँ से अपने एप्लीकेशन को यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद मोनेटाइज का ऑप्शन है, स्टेटस का ऑप्शन है, स्टेटस यहाँ से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन है, पुश का ऑप्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से इसको आप देख सकते हो। चलिए मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये कैसा डाउनलोड होगा, कैसा शो कर देगा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर आप ओके करेंगे
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे स्नैप टू ईमेल, यहाँ ईमेल पे भी आप भेज सकते हो। यहाँ से देख रहे हैं कि स्कैन के द्वारा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक पे भी आप करके डाउनलोड कर सकते हो, या सिंपली यहाँ जो है देख रहे हैं कि फेसबुक है, ट्विटर है, इसके द्वारा भी आप यहाँ पे भेज के डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं सिंपली क्लिक करके, तो यहाँ पर सिंपली जैसे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपका जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलिंग आपको शो कर देगा कि आपके कितना इंस्टॉलिंग हुआ है, चैनल आपको यहाँ पर आ जाएगा, यूजर जो जितना हुआ है वो यूजर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ऐप स्कैन बार कोड है, वो स्कैन बार कोड करके भी अपना एप्लीकेशन को देख सकते हो। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप है, चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड पर ओके कर देता हूँ। ओके करते ही डाउनलोड पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पर भी ओके होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा के आ रहा है कि डाउनलोड डोज नॉट स्टार्ट, तो सिंपली यहाँ पर हम क्रिएट योर ऑन ऐप या यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको ओके किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पर भी ओके होके आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो गेटिंग डाटा है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो 2 से 3 मिनट में ये प्रोसेसिंग हो जाएगा वेटिंग। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये 100% ये कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैं उसको ओके किया हूँ, यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो सिंपली जो ये जो लिंक है ये आप, मैं चलिए यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप किसी व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर किसी पे इसको आप सेंड कर सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ से सेंड कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये लिंक आप जिसको भी सेंड करेंगे वो उसको डाउनलोड कर सकता है। आप देख सकते हो कि जो भी मैं एप्लीकेशन वहाँ बनाया हूँ उसका लिंक मैं अपने जो चैनल पे अपने व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, तो इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ इस तरीके से प्रोसेस आ रहा है। सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा अगर यहाँ देखिए कुछ आ रहा है ऑप्शन नेक्स्ट का, चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फाइल साइज है यहाँ 53 MB का है, चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली मैं डाउनलोड ओके करूँगा, ये मेरा डाउनलोड प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और कंप्लीट डाउनलोड हो भी चुका है। यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, तो इसमें सिंपली यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी बताया जा रहा है जिसको, चलिए मैं इसको पहले सेटिंग को इनेबल कर लेता हूँ जहाँ से मैं इसको परमिशन दूंगा। डाउनलोड मेरा हो चुका है तो चलिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली क्या करना, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपको ये इंस्टॉलिंग होकर कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आएगा। यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह का ऑप्शन आया था जिसमें अननोन जो ऑप्शन था उसमें ऑन करना है आपको। तो इस तो अननोन करने के बाद, ये सेटिंग में जाने के बाद अननोन करने के बाद जैसे मैं आपको दिखाया, तो इसके बाद यह इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आया, इसको सिंपली आपको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो ये इंस्टॉल होकर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ कुछ ऑप्शन ओके क्या आ रहा है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद देख रहे हैं कि मेरा जो यहाँ जून चैनल का मैंने बनाया था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो चैनल मैंने बनाया था, एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर और ब्यूटीफुल इसका जो इंटरफेस शो हो रहा है। सिंपली स्टार्ट मैसेजिंग पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपका जो कंट्री है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली इसको प्रोसीड पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा या ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। ये मेरे केस में आ चुका है और मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे केस में आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मेरे केस में आया हुआ है। अगर आपके केस में आएगा तो आपको इसी तरह डाल देना है। डालने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पर जो लास्ट नेम का ऑप्शन आया, तो चलिए जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर डाल देना है और लास्ट नेम डाल देना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से परमिशन मांगेगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने का देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना है जो इस एप्लीकेशन बनाया हुआ उस सबको यहाँ पर ये शो ओपन होकर आ रहा है। जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर ले रहा है, तो जितना भी होगा सब यहाँ पर डिटेक्ट करके इसमें देख रहे हैं कितना सारा आ रहा है जो इस एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, तो उस सबका आपको इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं आपका अकाउंट सक्सेसफुल डाउनलोड क्रिएट और आपका जो अकाउंट है इसमें अकाउंट भी ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन टेलीग्राम के API पर बना हुआ है, इसलिए जितने भी लोग टेलीग्राम यूज करते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब जो है टेलीग्राम को यूज करते हैं और ये सब यहाँ पे शो हो रहे हैं।
उसके बाद सिंपली यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं जो भी बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ से अपना जो भी है यहाँ एड अकाउंट न्यू ग्रुप जो वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं कि मैं जो पिक लगाया था वो पिक यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं दूसरे नंबर पे भी इसको अपडेट किया हुआ हूँ, अपलोड किया हूँ, मतलब इंस्टॉल किया हूँ, तो मैं वो उसका भी यहाँ पे शो हो कर रहा है। चलिए मैं यहाँ से इसको मैसेज करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ जाइए, मैसेज कीजिए, यहाँ से लिखिएगा है और यहाँ से आप सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे इमेजेस है जो आपको व्हाट्सएप वगैरह में मिलता है, तो इसमें भी आपका जो एप्लीकेशन चैट है इसमें भी आपको वही सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो भी आप जिसको भी जो भी सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको आप यहाँ से बहुत आसानी से इसको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी यहाँ से फोटो वगैरह जो पिक वगैरह यहाँ सेंड करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ बॉल वगैरह से यहाँ सेंड कर सकते हो। इसके बाद सिंपली यहाँ गैलरी को जाके बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, गैलरी, फाइल, कॉन्टैक्ट, म्यूजिक, तो जो भी आप सेंड करना चाहते हैं सिंपली गैलरी पर क्लिक कीजिए। गैलरी पर क्लिक करने के बाद जो भी आप सेंड करना चाहते हैं जो भी फाइल, इसमें से आप बहुत आसानी से इसको सेंड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहां से आप इसको सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप से भी ज्यादा एडवांस है क्योंकि ये टेलीग्राम के एपीआई पे बना हुआ है। तो अब आप इसका लिंक जिसको भी भेजेंगे उसे वो इस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे और आप इस लिंक के थ्रू और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे बहुत ही आसानी से बात भी कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल भी हो सकता है, इस एप्लीकेशन के से आप क्रिएट करके अपने फ्रेंड अपने दोस्त वगैरह का कहीं भेज के आप बहुत आसानी से उससे बात भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने आप दोनों इससे जिस तरीके से जितने भी चाहे उतनी आप इसे चैट कर सकते हैं। और आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करके आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आप इसी तरीके से थ्री डॉट पर जाइएगा, यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। कॉल का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ चुका है, आपका चैनल का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो चैनल है और यहाँ पर एक से ज़्यादा चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थीम का ऑप्शन है, यहाँ थीम आप जो भी चाहे थीम यहाँ से इसको इसमें डाल सकते हैं, जैसे डार्क थीम है, नाइट है, एक्शन है, जूम है, तो इस तरीके से अपना थीम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि सेट प्रोफाइल पिक्चर आपको ओके कीजिएगा। जहाँ पिक्चर है इसको आपको अपना सेलेक्ट करके वहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ से अपना यूजर नेम भी सेट कर सकते हैं, जिसको मतलब जिसको अगर अपना अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहते हैं तो आप यूजर नेम बता दीजिएगा, तो आप यूजर नेम डाल के ही वो आपसे चैट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको जो टाइपिंग कर देना होगा जूम, और अपना जो भी है वो टाइपिंग करके सिंपली यहाँ पे जूम चैनल करके आप यहाँ पे ओके कर दिया तो ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना यूजर नेम के थ्रू भी चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेकिंग होकर आपका यहाँ पे अवेलेबल हो तो आ जाएगा और अपना मोबाइल नंबर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो व्हाट्सएप पे मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं, और व्हाट्सएप के अलावा इंस्टा और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, आपने आज जाना कि बिना प्रोग्रामिंग बिना कोडिंग आप 5 मिनट के अंदर अंदर में किस तरीके से अपना एक चैट एप्लीकेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से बिना कोडिंग बिना प्रोग्रामिंग जाने 5 मिनट में आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करके और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करके भी आप पैसे कमा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।